नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। काशीपुर में गिरी रेलिंग, घायल हो गए जागरण में आए श्रद्धालु। नगर पालिका मवाखेड़ागंज में निकाली गई विरोध रैली। SSP अल्मोड़ा के निर्देशन में जनपद में चल रहा सघन चेकिंग अभियान। देहरादून के घंटाघर की तारे और पैनल चोरी होने के मामले में पुलिस जांच के बाद हुआ बड़ा खुलासा। जिले के अलग अलग दो थाना क्षेत्रों में दो युवकों ने की खुदकुशी। खटीमा के सड़ासड़िया निवासी नेहा धामी ने इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनकर परिवार और क्षेत्र का किया नाम रोशन। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के खड़गपुर में एक मकान की छत की रेलिंग गिर गई। वहीं मकान के निकट ही रात्रि में जागरण चल रहा था और प्रसाद वितरण के दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें तकरीबन 13 लोग रेलिंग के नीचे दब गए और घायल हो गए। घायलों को तुरंत 112 मोबाइल की गाड़ी और थाने की गाड़ी से हल्दी भट्ट राज के चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उपचार के बाद घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। नगर पालिका मवाखेड़ागंज में सड़कें न बनने से गुस्साए लोगों ने राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में निकाली विरोध प्रदर्शन रैली। साथ ही राजेंद्र कुमार द्वारा की गई एक दिन की भूख हड़ताल। इस दौरान अफसर अली सैफी, चरणजीत भगत, अरविंद राणा, इमरान मलिक, सर्वेश कुमार, तोहफा सिंह, आलोक, अशरफ, राशिद, दीपक, रजा, साबिर आदि और भी कई लोग उपस्थित रहे। SSP अल्मोड़ा द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण व महिला सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हुए पुलिस बल को अलर्ट कर सघन चेकिंग अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके चलते जनपद में चप्पे चप्पे पर सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस बल अलर्ट मोड पर है। कोई संदिग्ध आपराधिक तत्व जनपद में आवागमन न कर पाए, उसके लिए जनपद के प्रवेश मार्गों पर सभी वाहनों को भलीभांति चेक किया जा रहा है। संदिग्ध वस्तु वाहन व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। रात्रि में गश्त ड्यूटी द्वारा संदिग्धों की तलाशी व पूछताछ की जा रही है। महिलाओं पर छींटाकशी करने वाले मनचलो अराजक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है तथा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देहरादून के घंटाघर की तारे और पैनल चोरी होने के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस की जांच में पता चला है कि घंटाघर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, जिसके बाद इस मामले में लाइन हाजिर किए गए चौकी इंचार्ज की भी चौकी में वापसी हो गई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कल शाम को धारा चौकी पर नगर निगम के अधिशासी अभियंता द्वारा एक शिकायत दी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि घंटाघर पर जो सुई है उस पर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करके कुछ सामान ऐसा किया गया, जिससे कि वहां पर घड़ी भी रुक गई है और उसकी संभावना, चोरी होने की संभावना व्यक्त की गई थी। इसके आधार पर जो जाँच प्रार्थना पत्र था रिसीव कर लिया गया था, क्योंकि मामला घंटाघर पर मेन सिटी के शहर के बीच का प्रकरण था और इसको देखते हुए आज जो है सुबह प्रातः नगर निगम के टीम, पुलिस की टीम और FSL टीम को बुलाया गया था और पूरा परीक्षण कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला कि वहाँ पर घंटाघर में जाने के चार इसमें दरवाजे, इसमें तीन दरवाजे परमानेंट लॉक रहते हैं और एक दरवाज़ा जो डबल लॉक है, जिसमें पहले बाहर चैनल लगा हुआ है, उसके अंदर भी एक दरवाज़ा है जिसमें दरवाज़ा लगा हुआ है और दोनों चैनल गेट और दरवाज़ा इंटैक्ट पाए गए। साथ ही साथ जो तीन अन्य परमानेंट क्लोज दरवाजे थे वो भी बंद पाए गए। पूरी फॉरेंसिक जाँच और समस्त संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण पर पाया गया कि जितने भी सामान वहाँ पर थे, इन्वर्टर, बैटरी या जो अन्य जो कीमती सामान थे, वो सभी कुछ वहाँ पर एज इट इज़ पाए गए। उनके साथ कहीं कोई छेड़छाड़ या कोई चोरी की बात नहीं पाई गई, जिसके द्वारा पूरा इंस्टॉलेशन किया गया था। उस व्यक्ति को भी बुलाकर वहाँ पर निरीक्षण कराया गया, उसके द्वारा बताया गया जितने भी बैटरी और आवश्यक उपकरण है वो सभी मौजूद है, चूँकि इंस्टॉलेशन उसके द्वारा किया गया था। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि एक तार जो कनेक्ट करता था क्लॉक को, वो तार कटा हुआ पाया गया, क्षतिग्रस्त पाया गया। इस संबंध में जब पूरा घटनास्थल को निरीक्षण के बाद सीसीटीवी टीम में पाया गया, कोई भी फोर्स एंट्री वहां पर नहीं हुई है। ताले इंटैक्ट जो लगे थे वो लगे हुए हैं। जो रास्ता था वो फरवरी में लास्ट पिछली बार इसको खोला गया था और अब जब ये शिकायत प्राप्त हुई थी घड़ी बंद होने की, तब इसको आज खोला गया। पूरी जानकारी में पता चला कि उसकी जो घंटाघर के जो मेन जो दो चैनल गेट हैं जो बंद रहते हैं, इसकी चाबी फरवरी में जो लिपिक हमको देते हैं वो अपने पास उसे रखते हैं और जब कभी कोई आवश्यकता पड़ती है तो चाबी का प्रयोग करके इसकी साफ सफाई या अन्य चीज़ों को देखा जाता है। फरवरी माह के बाद से जब तक वो बंद है तब से वो चाबी उन्हीं की कस्टडी में, नगर निगम के जो कर्मचारी उनकी कस्टडी में रहती है। इस संबंध में प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं इसमें शरारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इसमें जो चाबी का दुष्प्रयोग किया गया, क्योंकि कोई भी ताले इसमें जो थे वो कहीं भी उसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं पाएगी। तो इस संबंध में नगर निगम के सक्षम अधिकारी को एक लेटर भी भेजा जा रहा है कि इसके आगे जांच भी कर लें कि चाबी के जो कस्टोडियन है कहीं उनके द्वारा लापरवाही से रखने के कारण कहीं इसका दुष्प्रयोग ना हुआ हो और अन्य भी कोई अगर इसमें प्रकरण लगता है तो उस संबंध में भी जो है NCR लिखकर इसमें चौकी पर जाँच प्रचलित कर दी गई है।
क्षेत्राधिकारी की संयुक्त रिपोर्ट और साथ ही साथ उनकी रिपोर्ट पर कल जब ये प्रकरण संज्ञान में आया था तो इस पर जो चौकी प्रभारी है उनको निष्पक्ष जांच हो जाए, कहीं कोई इसमें कोई कमी न रहे, इसलिए उनको लाइन भेजा गया था। और आज क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट मिलने के बाद और समस्त तथ्यों की जानकारी के बाद पुनः चौकी प्रभारी को वापस चौकी पर भेजा गया और निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकरण में अगर कहीं भारी व्यक्ति की कोई संलिप्तता होगी तो उस संबंध गहराई से जांच करें और उस व्यक्ति की तलाश कर आवश्यक कार्रवाई करें। उधम सिंह नगर जिले के अलग अलग दो थाना क्षेत्रों में दो युवकों ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पहला मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र का है, जहां जयप्रकाश पुत्र सुखलाल निवासी मिलक रामपुर उत्तर प्रदेश के द्वारा अपने किराए के मकान में आजाद नगर थाना ट्रांजिट कैंप में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई। वहीं दूसरा मामला किच्छा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर मुकेश कुमार पुत्र भगवान दास निवासी वार्ड नंबर 16 विकास कॉलोनी किच्छा के द्वारा अपनी पत्नी से विवाद होने के बाद अपने घर से कुछ दूरी पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इसमें एक घटना जो है किच्छा थाना क्षेत्र में हुई है, जिस व्यक्ति की एक खुले स्थान पर बॉडी मिली है, जिसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और मृतक के जो मृत्यु के कारण है उसके बारे में जो अभी तक जानकारी की गई है उसमें कुछ पारिवारिक कलह की बात प्रकाश में आ रही है। बाकी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम में जो फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी घटना जो है थाना ट्रांजिट कैंप में आजाद नगर वार्ड नंबर 7 क्षेत्र की है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि लगभग पिछले 15 दिन से ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में रह रहा था, तो उसका रूम अंदर से बंद था काफ़ी समय से, तो पड़ोस में किसी ने सूचना दी कि रूम से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। तो उस सूचना पर पुलिस ने जाकर के खुद ही बॉडी को देखा अंदर से, तो वो हैंगिंग किए हुए पाया गया और इसमें भी मृत्यु के कारणों को स्पष्ट करने के लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और इसमें भी घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके बेस पर अग्रिम कार्रवाई चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर्पण नमकीन। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के जिला उधम सिंह नगर की तहसील खटीमा के ग्राम सड़ासड़िया की निवासी नेहा धामी ने इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनकर अपने परिवार खटीमा क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिससे पूरे क्षेत्र भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। ये सब मेरी प्रेरणा अपने पापा से आई है। मेरे पापा ने बिल्कुल स्क्रैच फ्रॉम द जीरो अपनी लाइफ में अचीव करा है और बहुत हाई लेवल तक गए थे। सिंस माय फादर वाज रिटायरिंग, तो मेरे अंदर ये था एक जुनून कि मेरे को अपनी फैमिली की लेगेसी कंटिन्यू करनी है और सेम लेवल पे नहीं, एक लेवल हाई जा करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट, एज ए कमीशन ऑफिसर जाना एक अपने आप में बहुत गर्व की बात है। मैं अपने दादाजी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए आर्मी का जुनून लेकर आगे बढ़ी। मैंने अपनी स्कूलिंग नोजगी पब्लिक स्कूल खटीमा चारूकोटा से किया। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बीई सीएससी करा। उसके बाद मैंने 3 साल का आईटी कॉर्पोरेट में जॉब भी करी, लेकिन वहाँ मैं रुकी नहीं। मेरे को पता था लाइफ में कुछ स्पेशल करना है, लाइफ में कुछ आगे जाना है, कुछ बड़ा अचीव करना है। और मैं ये नहीं देख सकती थी कि मेरे पापा रिटायर हो रहे हैं और हमारी लाइफ, हमारी फैमिली की लेगेसी कंटिन्यू करनी है। इसीलिए मैंने अपना इंटरव्यू दिया और मेहनत करते हुए फोकस डेडिकेशन के साथ अपना इंटरव्यू क्लियर किया और आज मैं आप सबके सामने लेफ्टिनेंट बैठी। बस बहुत सिंपल संदेश है, एक हार्डवर्क करने से ना डरें, हार्डवर्क करके ही आगे पहुंचेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, परसिवरेंस और स्ट्रेंथ, परसिवरेंस और डेडिकेशन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। गिव अप नहीं करना है लाइफ में कभी भी, कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी, लेकिन मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मेरे सामने जो भी चैलेंज आते रहे आज तक लाइफ में, मैंने हमेशा सोचा कि मैं ये कैसे नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने हर चीज़ को एज अ चैलेंज लिया और उस चैलेंज को ओवरकम किया और अपने आप को प्रूव किया। आपका नाम? मेरा नाम लेफ्टिनेंट नेहा धामी है। के पीछे अपने माँ बाप को स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपनी फैमिली को एक स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे किसी भी मोड़ पर कभी कोई बाधा नहीं आने दी, कभी किसी चीज़ के लिए रुका नहीं, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा। आज तक जो मैंने चाहा वो मुझे मिला, कभी किसी चीज़ के लिए मुझे ये नहीं बोला कि नहीं हो सकता, ये मुश्किल है। जो मैंने सोचा, जितना बड़ा मैंने ड्रीम किया उतना, उससे ज़्यादा बड़ा मुझे मेरे पेरेंट्स ने अचीव करने में हेल्प करी। स्पेशल थैंक्स टू माय फैमिली मेम्बर्स, माय दादाजी, माय ब्रदर एंड माय सिस्टर। थैंक यू। नेहा धामी है,
मैंने अपनी ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। संदेश है कि एक लड़की जब मेरी बेटी कर सकती है, एक सिंपल सी जिसने कभी इस तरह सोचा नहीं था कि मैं इस तरह, ये खुद इसने प्रेरणा ली, क्योंकि मैं IDB में था, तो IDB में होते हुए मैं SPB में था, केम से कोचिंग में, तो वहाँ पे इसने जो माहौल देखा उससे इसने गेन किया, तो आज इसने मेहनत की और इसकी मेहनत रंग लाई, आज लेफ्टिनेंट है। आने वाले बच्चों को मैं यही प्रेरणा दूंगा कि मेहनत से न डरें, एक दूसरे को देख के आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपने यात्रा को सफल करें। आपका नाम? मेरा नाम हीरा सिंह धामी। आज के लिए बस इतना ही, ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।